कॉलेज टाइम पे क्या होता था कि हमारे कॉलेज में मतलब इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन. आपका जो ये एक हफ्ते में जो एनर्जी होती थी कॉलेज की और जो सारे कॉलेज के लड़के और लड़कियां मतलब एक सब में एक अलग ही एनर्जी होती थी. रोज़ डे मना रहे हैं, मतलब देख रहे हैं इधर. आई वॉज सिंगल तो मैं देख रही थी इधर कपल किसी को रोज़ दे रहा है या वो, और बहुत सारे लड़के हैं जो कि प्लान कर रहे हैं अभी ये क्लास से बाहर आएगी इसे चॉकलेट देंगे या रोज़ देंगे. तो इट्स एन इंटरेस्टिंग वीक. अगर देखा जाए तो कॉलेज स्कूल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक एनर्जी डिफरेंट होती है. वो कहते हैं ना हवा में एक प्यार की हवा होती है, तो लव इज़ इन द एयर वाला मोमेंट होता है. और मतलब इट्स ऑलवेज बीन वेरी इंटरेस्टिंग. रोज़ डे, किस डे, हग डे, टेडी डे, प्रपोज डे, प्रॉमिस डे, वैलेंटाइंस डे. चॉकलेट डे काफ़ी इंटरेस्टिंग होता था क्योंकि बहुत सारे लोग चॉकलेट देने आते थे या फिर हम ही किसी को चॉकलेट दें. बहुत मतलब शाम तक चॉकलेट्स का भंडार होता था. और क्योंकि मैं हॉस्टल में रही हूँ तो फिर हमारे पास एक महीने तक की चॉकलेट्स होती थी जो कि हम एकदम एक दिन में ख़त्म कर लेते थे. बट स्टिल हमारे पास पूरा एक महीने की चॉकलेट्स पड़ी होती थी. मुझे फेरो रोशेस बहुत पसंद है, बहुत पसंद है. आई रियली लव इट. मतलब आई डोंट नो, बहुत ही अच्छी होती है. और मुझे ब्राउनी खाना बहुत पसंद है, ब्राउनी सिज़लर्स. मेरे लिए वैलेंटाइंस डे, सब कहते हैं कि प्यार हर दिन शो करना चाहिए. जैसे आप प्यार करते हो वो तो हर दिन शो होता ही है क्योंकि आप हर दिन उनके लिए कुछ स्पेशल ही करते हो, उनसे प्यार करते हो, आपको बोलना नहीं पड़ता. बट वैलेंटाइंस डे एक ऐसा दिन है जहाँ पे आपको ऐसे ही खुली छूट मिल जाती है सेलिब्रेट करने की, अपना प्यार शो करने के लिए. तो मैं मतलब इट्स नॉट जस्ट फॉर द कपल. आई वॉन्ट टू से कि वैलेंटाइंस डे एक दिन ऐसा है कि जिस दिन मैंने मतलब ऑब्वियसली आई लव माई पेरेंट्स, तो वो एक आप अपने पेरेंट्स के साथ मना सकते हैं, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, उनको कहीं घुमाने ले जा सकते हैं. मतलब ठीक है, एक दिन स्पेशल अगर बनाया गया है तो क्लीशे डायलॉग बोल के कि हर दिन प्यार दिखाना चाहिए, एक दिन स्पेशल, उस दिन स्पेशल स्पेशल कुछ कर लेना चाहिए. देखिए आइडियल डेट तो दो लोगों पे डिपेंड करता है कि वो एक दूसरे के लिए कैसा फील करते हैं. आप सिर्फ एक दूसरे के साथ पास ना रह के भी एक जगह को स्पेशल बना सकते हैं और कभी कभार पास रह के भी एक स्पेशल जगह को ऐसे ख़राब बना सकते हैं. तो इट्स एक्चुअली द वे यू फील फॉर ईच अदर. मतलब मेरे लिए तो रास्ते में टपरी में आपने चाय भी पी ली है, पर अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो और एक दूसरे के साथ हो तो वो भी एक स्पेशल डेट है. तो कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है. आई थिंक मुझे हैंडमेड्स बहुत पसंद है. मुझे बोलना तो पसंद ही है, वो तो आपको पता लग ही गया है. तो मुझे लगता है कि सबसे स्पेशल गिफ्ट वो टाइम होता है क्योंकि आज के वक्त में हम किसी को वक्त दे पाएँ वैसा वक्त बहुत कम आता है. गर्ल्स को तो मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी, मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, इतने सारे मतलब इतनी सारी गर्ल्स फैंस हैं, मतलब आई एम एस्टोनिश्ड कि इतनी सारी लड़कियाँ हैं. उनको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि फैशन इज़ जिसमें आप कंफर्टेबल हों. आप किसी को कॉपी मत करो कि उसने वैसा पहना है तो मुझे भी वैसा पहना है. आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप वो पहनो. मेक योर ओन स्टाइल स्टेटमेंट, बी योर सेल्फ एंड यू ऑल आर ब्यूटिफुल. नो वन इज़ परफेक्ट, आई एम नॉट. Happy Valentine's Day everyone. I love you. I really love you a lot. Instagram, Twitter, Facebook पे इतना एक्टिव होते हुए भी सबको मैं मैसेज पे रिप्लाई नहीं कर पाती. प्लीज़ उससे बुरा मत मानिए, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ. वट एवर आई एम टूडे इज़ बिकॉज ऑफ यू. थैंक यू सो मच. माई वैलेंटाइंस प्लान इज़ लव फॉर माई वर्क बिकॉज वर्क इज़ माई वर्शिप. आई विल बी स्पेंडिंग द डे शूटिंग एंड आई थिंक उससे बेटर कोई चीज़ नहीं हो सकती. थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है.